कांग्रेस के टिकट बंटवारे के बाद दिल्ली कांग्रेस में कलह मची हुई है। शुक्रवार को पार्टी की एक बैठक में जोरदार हंगामा हुआ। नॉर्थ ईस्ट लोकसभा सीट के उम्मीदवार कन्हैया कुमार की इलाके के नेताओं के साथ बुलाई गई बैठक में नेताओं के बीच तीखी बहस हुई। सूत्रों की माने तो कांग्रेस के एक सीनियर नेता ने कन्हैया कुमार के लिए अपशब्द तक कहे, जिसके बाद बात और बिगड़ गई और ये बैठक बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गई। हालांकि बैठक के दौरान हुई तीखी बहस वाली बात को प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया ने खारिज किया और कहा कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है। दरअसल नॉर्थ ईस्ट सीट पर जब से कन्हैया कुमार को टिकट मिला है, तब से कांग्रेस के नेताओं को ये रास नहीं आ रहा और स्थानीय नेता इसको लेकर तरह तरह की बयानबाजी करने में पीछे नहीं रह रहे हैं। बैठक में शामिल एक नेता ने बताया कि जब बैठक में संदीप दीक्षित पहुंचे तो उन्हें आगे आकर बैठने को कहा गया, जिस पर वो भड़क गए। सूत्रों ने कहा कि जब उन्होंने कहा कि कन्हैया की उम्मीदवारी से कांग्रेस को भारी नुकसान होने वाला है, तब इस पर कन्हैया ने उन पर बीजेपी की भाषा बोलने का आरोप लगाया, जिस पर संदीप और भड़क गए और उन्हें अपशब्द कह डाले, जिसके बाद दीपक बावरिया और संदीप के बीच भी तीखी बहस हुई। बहस काफी तीखी रही, जिसके बाद बैठक बिना नतीजा समाप्त करनी पड़ी। वहीं इस बारे में संदीप दीक्षित ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है। दीपक बावरिया ने इस मामले को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस की तरफ से जारी प्रेस नोट में कहा गया कि प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली की अगुवाई में सातों सीटों पर चुनाव प्रचार गति को तेज करने की बात कही गई है। नई रूपरेखा तैयार करने के लिए बैठक बुलाई गई थी। बैठक में तीनों लोकसभा सीटों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई।